कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके नौनिहालों के संग सतना जिला कलेक्टर ने अपने आवास में जमकर होली खेली। जिले में ऐसे 22 बच्चे चिन्हित हैं जिनके माता पिता की कोरोना बीमारी के चलते मौत हुई थी। इन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है। इन्हें पालन पोषण के लिए हर माह 5,000 की राशि भी दी जा रही है। ऐसे चिन्हित बच्चे में कोई हीन भावना न आए और समाज की मुख्य धारा में बने रहें, इसके लिए सतना जिला कलेक्टर अपने आवास में होली और दीपावली उत्सव उनके संग मनाते हैं। प्रशासन ने आज इन चिन्हित बच्चों को जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा के आवास लाई और यहां बच्चों ने जमकर कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होली खेली। बच्चे यहाँ बेहद खुश नजर आए। जिला कलेक्टर ने इन बच्चों को उपहार भी दिया। का उद्देश्य यही है कि जब मैं आया था इस जिले में नया नया तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे अपने पेरेंट्स को, किसी ने मदर फादर को, किसी ने मदर को या फादर को खोया था, तो उनके लिए हमने कंपनीज़ की मदद से, सीएसआर की मदद से, कई सारे संगठनों के माध्यम से उनके लिए अरेंजमेंट्स किए थे। उनकी शिक्षा अच्छी चलती रहे, लोग उनका ध्यान रखते रहें। सरकार की बहुत सारी योजनाओं से अब सभी बच्चे कवर्ड हैं, बट हर साल हम होली के बाद किसी भी दिन जिस दिन बच्चों के लिए सहूलियत होती है, छुट्टी का दिन होता है, तो उन बच्चों के साथ हम यहाँ पे कलेक्टर बंगले पे होली सेलिब्रेट करते हैं। इससे जो बच्चों को खुशी मिलती है, जो बच्चों के साथ सेलिब्रेट करके हमको खुशी मिलती है, इस खुशी को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये लगातार तीसरा बाल रंग उत्सव है जो हम ऐसे बच्चों के साथ मना रहे हैं। आज लगभग 100 बच्चों के आसपास पूरे ज़िले भर से आए हुए हैं जिनके साथ हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में उनको हम स्टडी मटेरियल्स और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई आगे बहुत अच्छी चलती रहे। बच्चों को आप लोग देख ही सकते हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और इस हर मोमेंट को वो बहुत अच्छे से चेयरअप कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है और ये एक ऐसा है जो दिल के बहुत करीब है।